मैं बिहार की लड़की हूँ और मैंने प्रेम विवाह किया हुआ है। एक तो पहले घर वाले इसके खिलाफ थे कि शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है। और होता हमारे सरकारी नौकरी नहीं के करत लेकर का तभी आना वो की नोटिस आया मेरे गीत गाने के बाद ही, तो ये सब हिमांशु से इस्तीफा वगैरह और ये सारी चीजें हुई। दिल्ली जैसे महानगर में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? और जो मेरी कमाई होती है, तो आपने जो जवाब दिया ये एक प्रोफेशनल जवाब मुझे ऐसा लग रहा है। एक पत्नी होने के नाते आपने क्या फील किया उस वक्त की? क्या अब घर में दिक्कत होगी, अब नेहा के लिए मुश्किल होने वाली है, आगे का दौर और मुश्किल भरा हो सकता है? देखिए, एक पत्नी होने के नाते सच में मुझे बहुत बुरा लगा। किसी के पति की जॉब जाएगी तो वो तो जश्न तो मनाएगा नहीं, लेकिन हिमांशु बड़े धैर्यवान है। इसके बावजूद भी वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट, बहुत एक ऐसा पोस्ट लिखे थे जिसमें मैं गुस्सा आ गई थी। मैंने कहा तुमको क्या पड़ी है यार, मैं ऐसे ही मैं उनको बोल रही थी, लोग तुमको कुछ भी कर देंगे लेकिन तुम वही धैर्य धीरज के साथ, कोई बात नहीं, जैसे वो ऐसे हैं ही, अगर भूकंप आ जाएगा ना तो पता है क्या कहेंगे, कोई बात नहीं आराम से निकलो, तो भागो भागो, मैं ऐसी हूँ, कोई बात नहीं। तो वो ऐसे ही, हाँ, पत्नी होने के नाते मुझे बहुत दुख लगा। और ये एकदम सच बात है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ भैया, मैं बिहार की लड़की हूँ और मैंने प्रेम विवाह किया हुआ है। एक तो पहले घर वाले इसके खिलाफ थे कि शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है। और होता हमारे सरकारी नौकरी नहीं के करत लेकर तभी आना हो कि एक ये भी चीज़ था। फिर जब मैं अपने मन से शादी करती हूँ, दिल्ली जैसे महानगर में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ का किराया देना पड़ता है आपको, पानी से लेकर के हर चीज़ का किराया देना पड़ता है, ठीक है। तो हम जब शुरू में आए, और ये एकदम सच बात है, हिमांशु की नौकरी थी अभी जो नहीं है, तो हमें लगता था कि हाँ चलो, अब मेरे साथ एक और चुनौती, आपको पता है मैं किसी भी जगह पे मैं नहीं रह सकती हूँ कि हाँ चलो थोड़ा यहाँ पे, यहाँ का रूम रेंट कम है तो यहाँ पे रह लेते हैं, नहीं रह सकते। वो हमारे साथ सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं, है ना। जिस तरीके से मैं सरकारों से सवाल पूछ ले रही हूँ, इतना आसान है क्या? सरकारें किस तरीके से काम करती हैं हम सबको पता है, और मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ से समझौता नहीं करना है। तो रहना आपको अच्छी लोकेलिटी में ही पड़ेगा, अच्छी सोसाइटी में ही रहना पड़ेगा, जहाँ पे हाँ दो चार गार्ड वगैरह हों, थोड़ा सुरक्षा को लेकर के उस तरीके से चीज़ें ना हो। अब अच्छी सोसाइटी में रहोगी तो अच्छा देना भी पड़ेगा रेंट आपको ना। तो शुरू में तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी हम लोग तो दिल्ली से जो है वो शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। ये एकदम सच बात है, क्योंकि दिल्ली में सर्वाइव करना, नौकरी है नहीं तो आप कैसे कर पाओगे? और जो मेरी कमाई होती है, एक हमारा पेंट का अपना मेरे ससुर जी का स्टोर है, और वो तो खैर मेरे ससुर जी के पास जो भी वो कमाते हैं, हम लोग मांगते भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग वैसे हैं भी नहीं कि हाँ तो अपना कमा रहे हैं, अपना रखें, हमारा ये कि हम खुद कमाएँगे। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, सबको पता है, और वो जो एडसेंस से पैसे आते हैं वही हमारी कमाई है, दूसरा और कुछ है भी नहीं। इवेंट्स तो मेरे कैंसिल करा दिए जाते हैं।